हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 2019 के सेकंड एफकैट का जो पेपर आया था उसके सारे जीके क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको एफकैट के 2020 के पहले और दूसरे पेपर के और 2021 के पेपर के जीके क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखना और आपको काफी चीजें यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एफकैट के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं चेक करूंगा आपको सारे 2011 तक के एफकैट के जितने भी जीके क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो सभी बच्चों को उसका बेनिफिट जो है प्रॉपरली मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट कॉस्ट लाइन। कॉस्ट लाइन यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट किसकी है, दैट इज एशिया। ठीक है, एशिया की कॉस्ट लाइन जो है वो सबसे लार्जेस्ट है पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। एशिया है कैसा, यहाँ पर ये एशिया है, ये एशिया है या फिर ये वाला पार्ट एशिया है। एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही होगा जो इंडिया है, इंडिया एशिया में है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका एशिया के साथ इंटरलिंक होता है, तो एशिया सबसे ज्यादा कॉस्ट लाइन जो है पानी के साथ जुड़ने वाला जो एरिया बनता है वो एशिया का बनता है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाने से पहले अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट एफकैट की तैयारी करना चाहता है अच्छे तरीके से, तो आपके पास ऊपर एक व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे वहां पे मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। नीचे आपको टेलीग्राम का चैनल दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मेरी काफी वीडियो जो होती हैं फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं, उनका बेनिफिट आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो सारे बच्चे इनको जरूर ज्वाइन करें और व्हाट्सएप पे मेरे साथ जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, इन 4x100 मीटर रेस जो है कौन सी कंट्री ने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया हुआ है, और इसका नाम है, करेक्ट आंसर है जमैका। जमैका के अंदर काफी फेमस पर्सनैलिटी है, फेमस एथलीट है, आप सभी बच्चों को उनका नाम पता होगा, दैट इज ओसेन बोल्ट। क्लियर, उसेन बोल्ट। और यहाँ पर इन तीन, यहाँ पर 4% टोटल है, 3% और है यहाँ पे मिलकर, 1, 2, 3, 4% है टोटल, चारों ने मिलकर ये रिकॉर्ड बनाया था 2011 के अंदर मेन में से। और फीमेल की बात करें यहाँ पर, फीमेल में से यहाँ पर इनकी भी, जमैकन वालों ने भी यहाँ पे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, तो इनको आप प्रॉपरली याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, विच गेम इज ए गीट सेथी जो है एसोसिएट है, दैट इज फ्रॉम बिलियार्ड। बिलियार्ड के बारे में आपको मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो के अंदर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया थंथा डांस जो है वो कहाँ का फेमस है, कौन सी स्टेट है इंडिया की जहां पर ये डांस फेमस है, दैट इज फ्रॉम मणिपुर। क्लियर, यहाँ पे ये तलवारों के साथ जो है ये डांस परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, सिक्किम का जो फेमस डांस है दैट इज मास्क डांस, बिहू के अंदर असम डांस, और काशड मुसुक जो है मेघालय का, इसमें से फेमस है बिहू असम। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं अभी। व्हेन एवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट में आया था, दैट इज 26 नवंबर 1949, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके अलावा नीचे आपको थोड़ा थोड़ा मैं स्टैटिक जीके वाइज कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, तो आप अगर उनको नोट कर सकते हैं आने वाले पेपर में, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 22 जुलाई 1947 में क्या हुआ था, यहाँ पे नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, फिर 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, यहाँ पे नेशनल सॉन्ग जो है वो अडॉप्ट किया गया था। फिर 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, ये इफेक्ट में हो गया था, जहां पे 26 नवंबर को तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डे जो था ये अडॉप्ट किया गया था, बट इसको इफेक्ट में यहाँ पे लगाया गया था 26 जनवरी के बाद, जो कि इसके 2 महीने बाद है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द हार्डेस्ट सबस्टान ऑन अर्थ, सबसे यहाँ पे हार्डेस्ट सबस्टान कौन है, यहाँ पे डायमंड है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सबस्टान है, आपने इसको पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और ऐसी सबसे सॉफ्ट सबस्टान कौन है, दैट इज काल्क, CaTaLc, टाक। ठीक है, और इसको यहाँ पे इस नाम से भी जाते हैं, सॉफ्ट स्टोन। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं, द लैंग्वेज ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन, अशोका की इंस्क्रिप्शन जो है कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई है, दैट इज प्रकृत, ऑप्शन नंबर सी। हु वाज अवार्डेड फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्णा। यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड जो होता है, यहाँ पर ऐसे कुछ पीपल के जो पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, वहां पर दिया जाता है, और वहां पर लिखा भी होता है भारत रत्न। और भारत रत्न इंडिया का यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया के अंदर। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हेल्ड जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और किस सिटी में हुआ था, ठीक है, दैट इज ग्रीस। और यहाँ पर आपने इसका नाम याद रखना था, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, सबसे ओल्डेस्ट रेंज कौन है यहाँ पे इंडिया की, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अरावली। नंबर ऑफ प्लेयर इन द बास्केटबॉल, नंबर ऑफ प्लेयर इन बास्केटबॉल, दैट इज 5, ऑप्शन नंबर डी। शुद्धि मूवमेंट जो है, शुद्धि मूवमेंट यहाँ पर किसने रन किया था, दैट इज फ्रॉम द आर्य समाज। और यहाँ पे याद रखना जो इसकी यहाँ पे फाउंडेशन है, फाउंडेशन फाउंडर कौन है यहाँ पे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। और इनका यहाँ पे काफी फेमस इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है यहाँ पे चाइल्ड मैरिज एंड द कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। जो शुद्धि मूवमेंट है क्या, एक्चुअल में शुद्धि मूवमेंट था ही ये कि जो चाइल्ड मैरिज होती है उसके अगेंस्ट आवाज उठाना कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और ऊपर से कास्ट सिस्टम के ऊपर काफी कुछ हुआ है पहले के जमाने में,
तो उसको लेकर ये अशुद्धि मूवमेंट जो है स्टार्ट किया गया था, और इसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। इसरो सतीश भवन स्पेस जो है ये सेंटर ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये तो फेमस क्वेश्चन है फ्रॉम आंध्र प्रदेश। और इसरो की फुल फॉर्म काफी बच्चों को नहीं पता, तो नीचे फुल फॉर्म लिखी हुई है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये है कहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका के बिल्कुल साइड में। अब यहां से ही क्यों है, बाकी कंट्री के अंदर क्यों नहीं है, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। अगर मैं जियोग्राफी वाला चेक करूंगा, जियोग्राफी पार्ट चेक करूंगा, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट लॉन्च होंगे वो मैक्सिमम टाइम जो होंगे वो सक्सेस ही होंगे। क्यों होंगे ऐसे, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से। तो ये एक जियोग्राफिकल फंडा है जहां पर इसकी वजह से यहाँ पर लोकेशन में है, ठीक है। ऊपर से इसका आपको हेडक्वार्टर याद रखना है इसको, इसरो का, दैट इज बेंगलुरु। फाउंडर है विक्रम साराभाई। फाउंडर कब हुआ था, 19 अगस्त, 15 अगस्त 1969, 1969। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किसकी बुक है, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी, इनके फाउंडर कौन है, दैट इज सुमुक्का, ऑप्शन नंबर बी। हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, विक्रम साराभाई, जो अभी अभी मैंने बताया था इसरो के फाउंडर, ठीक है, इसरो के फाउंडर है, इसीलिए यहाँ पर फादर ऑफ इंडियन स्पेस अभी बोला जाता है इनको, इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ऊपर जो कप है ये कौन सी स्पोर्ट्स से इंटरलिंक है, दैट इज बैडमिंटन, बैडमिंटन से रिलेटेड है यहाँ पर ऊबर कप, ये आप याद रख सकते हैं, और बाकी भी आपको कप याद करने पड़ेंगे। हु इज द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, दैट इज डी गुणेश, ऑप्शन नंबर बी। जो ग्रैंड मास्टर होता है ये कौन सी स्पोर्ट्स से इंटरलिंक है, दैट इज इन चेस, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे चेस खेलते हुए, ठीक है। जो चेस है ये किसने इन्वेंट किया था भाई, चेस इन्वेंशन हुआ था इंडिया के थ्रू से, ठीक है, ये भी एक अपने आप में स्टैटिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया अबाउट C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, दैट इज यूएसए, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आपको बाकियों के बारे में और सभी के बारे में बता रहा हूँ। ईरान की कैपिटल है तेहरान, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन, इंडिया की कैपिटल तो पता ही है सब बच्चों को, न्यू दिल्ली। एशियन गेम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कहाँ पे हुए हैं, थाईलैंड के अंदर। काफी बार बच्चे इसका आंसर गलत करते हैं, कई बार चाइना, कई बार इंडिया, तो आपका याद रखना है आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, दैट इज थाईलैंड। और थाईलैंड है कहाँ पे, मैंने अभी अभी बताया था, म्यांमार के आगे, जो पिछली वीडियो देखा होगा वहां पर बताया था, इंडिया से इंटरलिंक बांग्लादेश, बांग्लादेश के पास म्यांमार, और म्यांमार के पास है थाईलैंड, थाईलैंड, ठीक है। कुछ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे थाईलैंड की कैपिटल कौन सी है, बैंकॉक, और करेंसी है थाई बाहत, और इनके किंग का नाम है यहाँ पे महा वजीरा लोंगन, ठीक है, आपने याद रखना है इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 21 है, आगरा सिटी जो है किसने फाउंड किया था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। और आगरा के साथ साथ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए आगरा के अंदर फेमस क्या है हमारे पास, सातों अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द विजिबल पार्ट ऑफ ए सन इज कॉल्ड, जो विजिबल विजिबल पार्ट होता है सन का, दैट इज कॉल्ड फोटोस्फियर। और यहाँ पर बाकी सारे के सारे पार्ट के नाम है, एक बार आप इसको जरूर रीड कर लेना। जो विजिबल, जैसे यहाँ पर ये यह आग वाला दिखता है इसको फ्लेयर बोलते हैं, क्रोमोस्फियर को यहाँ पर रेड वाला पार्ट बोलते हैं, कोरोना हमारे पास ये इसके बाहर जो बाहर बाहर बाउंड्री होती है ना, बाहर बाहर, इसको बोलते हैं कोरोना, ठीक है। और कोरोनल होल होता है जैसे ऐसे कुछ दिखे, और ये आपके पास यहाँ पर इसको प्रॉपरली याद रखना है, फोटोस्फियर क्या होता है, जो इसके बाहर वाला पार्ट होता है, जैसे फोटोस्फियर ये बाहर वाली पार्ट को बोलते हैं फोटोस्फियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन लेयर जो है वो कहाँ, ओजोन लेयर है जो कहाँ से कहाँ पे स्थित है अकॉर्डिंग टू लेयर सिस्टम, ये आपके पास चार सिस्टम होते हैं टोटल एयर के, यहाँ पर इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पर याद रखना स्ट्रेटोस्फीयर जो है वहां पर ओजोन लेयर जो है अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास पेपर के अंदर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे पास यहाँ पे एरोप्लेन है, एरोप्लेन कहाँ पे फ्लाई करते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर से थोड़ा नीचे होते हैं, यहाँ पे फ्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर आपसे ये पूछा जाता है बैलून कहाँ तक जाते हैं, और रॉकेट जो होता है वहां पर वो कहाँ से कहाँ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं लेयर के ऊपर, तो आप सारे बच्चे इनको जरूर पढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बी आर अंबेडकर इज द राइट आंसर। और फुल नेम इनका याद रखना है आपने, भीमराव रामजी अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर इज द करेक्ट नेम। यूएन जो है ये कब स्टार्ट हुआ था, 1945 के अंदर, यूनाइटेड नेशन का ये सिंबल आपने याद रखना है, और इसकी फाउंडेशन कहाँ पे हुई थी, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यहाँ पे यूएस, ठीक है। और इसके सेक्रेटरी का नाम क्या है, अटेनियो गटर्स, और ये फाउंड कहाँ पे हुआ था, यूएस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपके आई होप सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखा करें, ताकि बाकी के बाकी क्वेश्चन आपको सारे पता चले।
अभी हम आगे वाले पेपर 2018 के भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल से मैक्सिमम मैक्सिमम शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन।